सर आपका नाम क्या? मेरा नाम यामिन खान। यामिन खान जी, ये बताइए आप किस पार्टी से और कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। बीजेपी पार्टी से लड़ रहे हैं, कहाँ से लड़ रहे हैं? कस्बा जानावास से लड़ रहे हैं। ये आपकी क्या पोजीशन चल रही है इस टाइम बीजेपी की यहाँ पे? पोजीशन बहुत ही अच्छी है, हमारे सारे संगठन के लोग लगे हुए हैं और हमारे मंत्री जी का बहुत सहयोग है और मंत्री जी पूरे दिलोजान से अपने आदमियों का, खुद आप अपने अजय भाई जो है हमारे ब्लॉक प्रमुख, वो भी बहुत बड़ा संघर्ष कर रहा है। दिल्ली में कहीं पर रहते हैं, धन्यवाद कर रहे हैं और लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं और जो यहाँ के मेम्बर हैं उनसे भी संपर्क बनाए हुए हैं। हर तरीके से वो अपने तन मन धन के अपने पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं और मीटिंगें जहाँ जहाँ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक बीजेपी की एक प्रत्याशी, मुस्लिम प्रत्याशी होने के बाद भी यहाँ पे बीजेपी की जीत होने वाली है, लेकिन आप बताएंगे जीतने के बाद क्या क्या कार्य करेंगे आप? देखिए, जीने के बाद में ये है कि हमारे जहानाबाद के अंदर दो 5 साल एजाज चेयरमैन रहे, उन्होंने जहानाबाद को सब बिल्कुल बेकार कर दिया, कहीं कोई कार्य नहीं किया और रह गया एक अन्ना की बीवी जो है ममता गुप्ता जो है, उन्होंने जहानाबाद को सभी कुछ मतलब बर्बाद करके रख दिया, कोई पब्लिक की कोई डिमांड नहीं। 2007 से 2012 तक मेरी मिसेज सुनारा बेगम चेयरमैन नहीं, मैंने जहानाबाद की जितनी भी गंदगी थी वो दूर की। 20-25 साल रहे एजाज साहब, उन्होंने कहीं कुछ करके नहीं दिखाया। अन्ना रहे, उन्होंने कुछ भी करके नहीं दिखाया। जितना भी मुझे संघर्ष करके और इस जहानाबाद की उन्नति भी लाया मैं। दूसरी बात ये है कि अब आने वाले टाइम में मैं चेयरमैन बनूंगा, बन गया मतलब हमारे पास पार्टी के सहयोग से, उसमें मेरे लिए का विकास कार्यों में दो टारगेट ये है कि यहाँ पे शादी हाल नहीं है, बहुत आदमी पब्लिक परेशान है, शादी ब्याह में दिक्कत होती है। विकास कार्यों में यहाँ पे जो जहानाबाद की पहचान थी वो तक गोए गेट को उसको तोड़वा दिया गया, अब उसकी जहानाबाद की पहचान को बनाना है। ये देखने को मिल रहा है जैसे कि मुस्लिम प्रत्याशियों के, आप और किसी पार्टी से भी टिकट ले सकते थे, आपने बीजेपी पार्टी क्यों चुनी है? बीजेपी की पार्टी क्या अच्छी पार्टी है अपनी? देखिए, बीजेपी पार्टी की नीतियाँ मुझे बहुत पसंद हैं, जैसे कि आवास उन्होंने भेजे, मुस्लिम प्रत्याशियों को भी कुछ यहाँ जहानाबाद के अंदर ज़्यादा मिले, हिंदू प्रत्याशी मतलब हिंदू समाज को कम मिले। तो मैंने ये सारी नीतियाँ देख करके अपने दिमाग को ये बरसाया कि ऐसा है कि हमारे बीजेपी पार्टी सबका साथ सबका विकास को लेकर चल रहा है।